देखो आई कार्ड दिखाई। अभी ज्वाइनिंग करिए भैया, आई कार्ड बनने वाला है मेरा। नहीं नहीं ऐसे तो नहीं आ सकते आप। एक बार हाँ ठीक है। अरे बना ले ले, बना ले ढंग की अच्छी सी वीडियो बना, ब्यूटी प्लस में। हाँ ठीक ठीक है ठीक है। हाँ बना तो आई कार्ड लेके आइए। चल चल साथ चल, अब आई कार्ड लेके नहीं आई हो, पागल नहीं हूँ मैं भी पागल नहीं हूँ, तेरे साथ जाऊंगा रविंदर भैया को। जय हिंद दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ और बड़ी खबर आप लोगों के लिए आई है। ये खबर दोस्तों आप लोगों को हो सकता है कि मिल गई होगी, और अगर नहीं मिली है तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया था और मैं ये खबर आपको अब प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखिए लोगों को पास खबर आना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके लोन रिकवरी से लेकर। मेरे चैनल पर आपको लगभग 100 वीडियोज़ लोन रिकवरी से मिल जाएगी, जिसमें मैंने हर वीडियो में कहा था कि मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा या आरबीआई से अपील करूंगा कि ये जो फेक रिकवरी एजेंट्स का चक्कर है इसको बंद किया जाए। अब यहाँ पर एक बड़ी खबर क्या आई है, ये आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने किसी भी एप्लीकेशन से लोन लिया है और उसका रिपेमेंट ना करने पर कोई भी रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहा है किसी भी एप्लीकेशन का, तो अब परेशानी नहीं होगी आपको। ये जो न्यूज़ है दोस्तों 100% न्यूज़ है, और इसका क्या सोर्स है वो भी मैं आपको आज के इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। बिना न्यूज़ सोर्स और ट्रस्ट के मैं वीडियो नहीं बनाता हूं, तो ध्यान से सुनते रहिएगा कि आप लोगों के लिए क्या खबर है। तो निर्मला सीतारमण, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर है, और लगभग मैंने कम से कम तो 10 से 20 बार कंप्लेंट की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, आरबीआई के पास, 200 से 300 मेल किए हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आ चुका है रिकवरी एजेंट्स को लेकर कि हरेसमेंट नहीं करने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी हरेसमेंट लगातार किया जा रहा था। अब यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर का बड़ा बयान दोस्तों क्या आया है वो ध्यान से सुनिए। फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा है कि ये जो रिकवरी एजेंट्स लोगों को घर जाके परेशान कर रहे हैं ये 100% इलीगल काम है और 100% इलीगल प्रैक्टिस है। मैं आपको हर टाइम बोलता हूँ कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ भी लिखा ही नहीं हुआ है कानून में कि घर पे जाके लोगों को परेशान करो, लोगों की इमेज को ख़राब करो, ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं गया है। क्या लिखा हुआ कानून में, और जो मैंने आप लोगों को हर वीडियो में बताया था सेम बातें निर्मला सीतारमण जी ने भी कही की है, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मुद्दे पर बातचीत की और जितने भी बैंक है और NBFC है उनको बताया कि आप अगर सख्ती से इन कानूनों का फॉलो नहीं करते हैं तो फिर आपके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर कोई भी आदमी पैसा नहीं दे पा रहा है, अगर कंपनी चाहती है कि वो इंटरनेशनल डिफॉल्टर है, वो जानबूझ के पैसा नहीं दे रहा है, उसके पास बहुत प्रॉपर्टी है और तब पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो फिर उसके खिलाफ वो कोर्ट में जाए, केस करे, लॉ के हिसाब से चले। ये जो अनलॉफुल प्रैक्टिस इंडिया के अंदर में चली आ रही है, और काफ़ी कंपनियां नहीं बड़ी बड़ी कंपनी, जो सबसे बड़ी लोन की कंपनी इंडिया के अंदर में आप लोग भी जानते होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो भी ऐसा प्रैक्टिस कर रही है जो बहुत ही शर्मनाक बात है और इंडियन कानून के लिए बहुत ही गंदी बात है। देखिए कि इतनी अनलॉफुल तरीके से प्रैक्टिस की जा रही है, रिकवरी एजेंट्स को घर पर भेज के उनको परेशान किया जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है तो आपको कुछ नहीं करना है, हमसे आप चाहे तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में रिकवरी एजेंट के खिलाफ कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। और कंप्लेन किस किस सेक्शन के तहत फाइल की जाएगी वो भी मैं आपको इसकी वीडियो में बता दूंगा। यहाँ पर मैं आपको देख सकते हैं कि बहुत ही जाने माने आदमी है, उन्हीं का मैं वीडियो आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और उनका चैनल भी है, वो भी जाके आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप लोग ये वीडियो देखिए और समझिए कि क्या कहा है और कैसे सेक्शन के खिलाफ आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लोन रिकवरी एजेंट गाली गलौज करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं अपना लोन रिकवर करने के लिए, तो ऐसा वो नहीं कर सकते। कई बार अगर कोई लोन, जैसे कि आपका कोई क्रेडिट कार्ड या फिर कोई लोन आप रीपे नहीं करते, तो वो आपको कॉल करते हैं, ऐसे में आपके साथ गाली गलौज करते हैं, आपके घर तक आ जाते हैं, तमाशा करते हैं, कोई गलत व्यवहार करते हैं, तो ऐसे में आप उनकी कॉल रिकॉर्डिंग करें, वीडियो रिकॉर्डिंग करें, और इसके बाद आप सेक्शन 294 और IPC के सेक्शन 506 के तहत कंप्लेंट कर सकते हैं। इस पे फर्दर पुलिस एक्शन लेगी और कोर्ट के थ्रू ऐसे एजेंट्स को सजा भी हो सकती है। इंफॉर्मेटिव लग जैसा कि दोस्तों आप लोग ने देखा यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि आपको किस किस सेक्शन के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, और इनका चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप लोग इनको फॉलो कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और साथ में मैं बता दूं कि न्यूज़ का क्या सोर्स है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। CNBC आवाज़ बहुत बड़ा चैनल है, इंडिया के अंदर में रजिस्टर्ड चैनल है,
जिन्होंने ये न्यूज़ प्रोवाइड की है और ये न्यूज़ मुझ तक भी पहुंची, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ये देना ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो रिकवरी एजेंट्स का भी खेल बेल चल रहा है, ये अब ज़्यादा दिन तक इंडिया के अंदर में नहीं चल पाएगा, क्योंकि इस तरह की इलीगल प्रैक्टिस को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अब इसी के साथ ये न्यूज़ आपको अगर पसंद आई हो तो लोगों के बीच शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, और साथ ही में अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।